पहली इनइक्वालिटी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं। यदि मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं और यहाँ पे है 0, यहाँ पर है नेगेटिव 4 और ये है पॉजिटिव 4। यदि x की वैल्यू नेगेटिव 4 हो जाएगी तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव 4 4 के इक्वल हो जाएगा। यदि x की वैल्यू मैं नेगेटिव 5 रखूं, इस केस में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x हो जाएगा पॉजिटिव 5 जो कि 4 से ज्यादा हो जाएगा। यानी जब हम नेगेटिव 4 पे हैं तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है, वैसे ही यदि मैं पॉजिटिव 4 लूं तब भी इक्वालिटी होल्ड करेगी। लेकिन यदि मैं इसके बीच का नंबर लेता हूं, सपोज -2 ले लूं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 होता है जो कि 4 से छोटा होगा। यानी हमें नंबर्स बीच के लेने होंगे और जिसका एंड पॉइंट नेगेटिव 4 और पॉजिटिव 4 हो। इनइक्वालिटी फॉर्म में इसी को हम लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव 4 एंड लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव 4। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हुआ। दूसरा क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। पहले वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि x -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव 4 एंड लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव 4। अब इस कंपाउंड इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि मैं दोनों साइड 3 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा नेगेटिव 1 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 7 और सेंटर में बचेगा x। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हुआ। क्वेश्चन 3 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। यदि यह होता एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तब क्या होता, इसको मैं नंबर लाइन से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है नेगेटिव 5। यदि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आप नेगेटिव 6 रखेंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा। वैसे ही यदि आप पॉजिटिव 6 रखते हैं तब भी ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। यदि आप बीच में कोई नंबर ले लें लाइक नेगेटिव 3 तो इस केस में ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 पर ये इक्वालिटी होल्ड करेगी और जो भी नंबर्स होंगे या तो 5 से ज़्यादा होंगे बड़े, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा और लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव 5 होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा नंबर होगा अब दो कंपाउंड इनइक्वालिटी में ये स्प्लिट हो जाएगा। x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव 5 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव 5, तब ये होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो इनइक्वालिटी, इसमें यदि मैं 1 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव 4 और दूसरा हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो इस तरह से ये दोनों सॉल्यूशन सेट हो गए इसके। नाउ कमिंग टू फोर्थ प्रॉब्लम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव 2। इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब यह है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर देन एनी नेगेटिव रियल नंबर। तो इसमें जो इनइक्वालिटी है, एक्स के किसी वैल्यू को आप रखें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा लेफ्ट या 0 आ जाएगा एटलीस्ट, लेकिन ये नेगेटिव 2 से ऑलवेज बड़ा ही होगा। इसलिए इसके सॉल्यूशन सेट आप लिख सकते हो फॉर ऑल रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये इसका सॉल्यूशन सेट हुआ। नाउ कमिंग टू लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन है 4 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5 प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। 1 को राइट हैंड साइड ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x-5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, 4 से बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x-5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब हमारा बेसिक फॉर्म में आ गया, जो कुछ इस तरह से करना था। इसको सॉल्व करने के लिए दो कंपाउंड इनइक्वालिटी में ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x-5 इज लेस देन और इक्वल टू -5 और 2x-5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +5। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 2x इज लेस देन और इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन और इक्वल टू 0। दूसरे से आएगा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ये इसके सोल्यूशन सेट हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, यदि अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।